हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ पॉइंटर्स का विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कि पॉइंटर्स को हम कैसे यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। वी विल डिस्कस ए प्रोग्राम, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ प्रोग्राम इज दैट कि द प्रॉब्लम ऑफ रीऑर्डरिंग ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। कोई हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, उसको कैसे रीऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो यानी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम पॉइंटर को यूज ऑफ पॉइंटर्स विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, कि पॉइंटर को हम कैसे यूज करेंगे। इसको समझने के लिए अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि से राइट ए प्रोग्राम टू री ऑर्डरिंग ए लिस्ट ऑफ इंटीजर, री ऑर्डरिंग ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम पॉइंटर का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज का। जो इंडिविजुअल एरे एलिमेंट हैं उनके न्यूमेरिकल वैल्यू की बजाय हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे उनको एक्सेस करने के लिए, ठीक। तो अब देखिए, मान लीजिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ कमेंट लाइन लिख दिया समझाने के लिए आपको कि रीऑर्डर ए वन डायमेंशनल इंटीजर एरे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, पॉइंटर का यूज करके हम ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंक्लूड stdio.h, फिर नेक्स्ट हमने किया इंक्लूड स्टूडियो लाइब्रेरी, इंक्लूड stdlib.h। फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया void reorder, ठीक। और फंक्शन के जो आर्गुमेंट हैं, एक तो हमने कहा इंटीजर एन और दूसरा हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया इंटीजर एक्स। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अब यहाँ पे हमने शुरू किया मेन इंटीजर आई एन, इंटीजर आई एन और पॉइंटर वेरिएबल एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा रीड इन ए वैल्यू फॉर एन, रीड इन ए वैल्यू फॉर एन, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने दिया प्रिंट एफ, हाउ मेनी नंबर्स विल बी एंटर्ड। यहाँ हमने लिखा हाउ मेनी नंबर्स विल बी एंटर्ड, ठीक है। स्कैन एफ किया हमने, यहाँ पे एन में इसकी वैल्यू एंटर करा दी, परसेंटेज डी कोट्स क्लोज कॉमा एम परसेंट एन, ठीक है। तो कितने नंबर एंटर करने हैं अरे में, वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिए। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ
स्लैश एन, ठीक है। अब मेमोरी एलोकेट करेंगे तो यहां पे हमने लिखा एलोकेट मेमोरी, तो मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे, एमएलॉक फंक्शन से। तो एक्स इज इक्वल टू लिखा हमने, एक्स इज इक्वल टू यहां लिखा इंटीजर, फिर यहां हमने लिखा एम एलॉग, फिर हमने लिखा एन इंटू साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। इस तरह हमने लिख दिया मेमोरी एलोकेशन करने के लिए। अब उसके बाद लिस्ट ऑफ नंबर को पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ फिर कमेंट लाइन लिखा, हमने लिखा रीड इन द लिस्ट ऑफ नंबर, यहाँ लिखा हमने रीड इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक। कैसे इसको रीड करेंगे, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन और प्लस प्लस आई, ये फॉर की बॉडी शुरू करेंगे यहां से। और इसमें करना क्या है, प्रिंट एफ आई इक्वल टू एक्स इक्वल टू, यहाँ हमने कोट्स क्लोज किया। अब यहाँ आई की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आई इक्वल टू परसेंटेज डी लिखा हमने, एक्स इक्वल टू लिखा, यहाँ हमने लिख दिया आई प्लस वन, ठीक है। ये हो गया, अब स्कैन एफ करेंगे, परसेंटेज डी एक्स प्लस आई, ये हो गया। इसमें क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स हम रीड कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, रीऑर्डर ऑल एरे एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ लिखते हैं रीऑर्डर ऑल एरे एलिमेंट्स। और रीऑर्डर करने के लिए ऊपर जो हमने रीऑर्डर फंक्शन डिक्लेयर किया था उसको कॉल करते हैं, तो हमने यहाँ लिखा रीऑर्डर एन कॉमा एक्स, ठीक। अब जब ये रीऑर्डरिंग हो जाएगी इस फंक्शन से, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले द रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, द रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक। तो यहां पे हमने किया प्रिंट एफ स्लैश एन रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, री ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स स्लैश एन कोट्स क्लोज, ये ठीक है। अब इसको प्रिंट एफ, अब पूरी लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर का, फॉर आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई इज लेस देन एन तक, यहां हो जाएगा प्लस प्लस आई, और यहां हमने लिखा प्रिंट एफ कोट्स क्लोज आई इक्वल टू हो गया परसेंटेज डी, एक्स इक्वल टू हो गया परसेंटेज डी स्लैश एन कोट्स क्लोज्ड कॉमा आई प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स प्लस आई, ठीक है। और यहां पे फिर
फॉर में तो चूंकि एक ही स्टेटमेंट था तो इसलिए हमने फॉर की बॉडी बनाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे फिर आपका मेन फंक्शन बंद हो जाएगा। ठीक, अब जो आपने रीऑर्डर के नाम से फंक्शन यूज किया है अपने प्रोग्राम में, अब उसको आप लिखिए void reorder, यहाँ आपने लिखा इंटीजर n कॉमा इंटीजर x। यहाँ अब इस फंक्शन से क्या होगा, यहाँ से रीअरेंज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसी फंक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट होगा लिस्ट का। तो void reorder किया हमने, अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इंटीजर i, एक वेरिएबल लिया हमने आइटम और एक लिया टेम्पररी वेरिएबल के लिए टाइम। अब हम क्या करेंगे, पहले आइटम से शुरू करेंगे। तो हमने लिखा फॉर आइटम इज इक्वल टू 0 और आइटम इज लेस देन एन माइनस 1, और कहाँ से होगा ये आपका प्लस प्लस आइटम। अब इसके लिए जब फॉर का लूप आप शुरू करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए यहाँ हम कमेंट लाइन में लिख दे रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ पे फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा फॉर आई इक्वल टू आइटम प्लस 1, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस आई, ये हो गया। अब हमने कहा इफ एक्स प्लस आई इज लेस देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस आइटम, अगर ये छोटा है तो हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इफ की बॉडी यहाँ लगाइए इंटरचेंज टू एलिमेंट, तो यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए हमने आपको समझने के लिए लिख दिया इंटरचेंज टू एलिमेंट्स, उन दोनों को आपस में इंटरचेंज। जो जब इंटरचेंज करेंगे तो आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो टेम में पहले आपने डाल दिया एक्स प्लस आइटम की वैल्यू सॉरी, उसके बाद एक्स प्लस आइटम में आपने डाल दिया एक्स प्लस आई की वैल्यू, एक्स प्लस आई की वैल्यू, और फिर जब आपका एक्स प्लस आई खाली हो गया उसमें टेम्प वाली वैल्यू डाल दी, तो फिर आपने एक्स प्लस आई में टेम्प वाली वैल्यू डाल दी। तो इससे क्या होगा कि ये जो छोटे बड़े हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने इफ का स्टेटमेंट बंद कर दिया, और फिर इसको बंद करने के बाद हमने लिखा रिटर्न। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इन दिस प्रोग्राम द इंटीजर अरे इज डिफाइंड एज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो अब इस प्रोग्राम में आप शुरू से देखिए तो जो इंटीजर अरे है आपकी, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इंटीजर अरे को कैसे डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए इंटीजर अरे इज डिफाइंड एज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर, ठीक। मेमोरी इज इनिशियली असाइंड टू द पॉइंटर वेरिएबल वाया द एमलॉग लाइब्रेरी फंक्शन। मेमोरी कैसे असाइन की गई है एक्स को, तो आप इस यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए एमलॉग फंक्शन के द्वारा यहाँ पे मेमोरी असाइन की गई है एरे को, ठीक, एमलॉग लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा। एल्सवेयर इन द प्रोग्राम पॉइंटर नोटेशन इज यूज टू प्रोसेस द इंडिविजुअल एरे एलिमेंट।
आगे प्रोग्राम में जहां पे भी इंडिविजुअल अरे की एलिमेंट की जरूरत पड़ी है तहां पे पॉइंटर का यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन प्रोटोटाइप नाउ स्पेसिफाइज दैट द सेकेंड आर्गूमेंट इज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर क्वान्टिटी रादर देन एन इंटीजर अरे. तो फंक्शन प्रोटोटाइप में देखिए जहाँ आपने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे फिर से लौट के आइए पहले पेज पे, यहाँ पे ये देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप में आपने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप इज फाइज दैट अ सेकेंड आर्गूमेंट इज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर क्वांटिटी रादर देन एन इंटीजर एरे. सो दिस पॉइंटर विल आइडेंटिफाई द बिगिनिंग ऑफ द टारगेट एरे. ठीक. अब इसके बाद क्या होता है कि वी ऑल्सो सी दैट द स्कैनर फंक्शन नाउ स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द आईथ एलिमेंट एज एक्स प्लस आई रादर देन एम्परसेंट ऑफ एक्स आई. तो यहाँ पे ये जो स्कैनफ आपने यूज किया है तो स्कैनफ किसको इंडिकेट करता है? स्कैनफ इंडिकेट कर रहा है आई एक्स प्लस आई एथ एलिमेंट को रादर देन एक्स आई. सिमिलरली द प्रिंटफ फंक्शन नाउ रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द आई एथ एलिमेंट एज पॉइंटर ऑफ एक्स प्लस आई रादर देन एक्स आई. द कॉल टू रीऑर्डर हाउएवर इज द सेम एज द एंटायर प्रोग्राम नेमली रीऑर्डर एन कॉमा एक्स. तो इस तरह से आप पॉइंटर का यूज करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज कर सकते हैं आप. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है इस तरह के अलॉटमेंट का, पॉइंटर के यूज का, कि एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज द एबिलिटी टू रिजर्व एज मच मेमोरी एज मे बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि उतनी ही मेमोरी एलोकेट होती है जितने की जरूरत होती है, वेस्ट नहीं होती मेमोरी. और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है वो मेमोरी रिलीज हो जाती है. ठीक है कि व्हेन दिस मेमोरी इज नो लॉन्गर नीडेड दिस इज रिलीज. तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का. पहला कि जितनी मेमोरी की जरूरत होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए उतनी मेमोरी एलोकेट होती है. दूसरा ये कि एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट इज ओवर द मेमोरी इज रिलीज. ठीक है. मोर ओवर दिस प्रोसेस में बी रिपीटेड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. ठीक है. तो इसीलिए जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की आप बात करते हैं कि इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तो जो दो लाइब्रेरी फंक्शन, एक होता है आपका एम एलॉक, ये तो मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज होता है, और दूसरा होता है फ्री, ये मेमोरी को रिलीज करने के लिए यूज होता है. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटर का हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करने के क्या फायदे हैं, ये भी हमने आपको बता दिया. अब इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके. थैंक यू.